हमारे पास मेल है जो वो तुरंत आ जाते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे कि बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कैंडिडेट्स फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जनरली लोग सोचते हैं कि एक सब्जेक्ट मेरा फेवरेट हो सकता है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 12 से 15 छोटे छोटे सब्जेक्ट्स मिलते होते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है किसे आप फेवरेट सब्जेक्ट कहेंगे वो भी मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि उन लोगों का भी टेंटेटिव क्या एरिया फेवरेट होता है, ठीक है। तो आप जैसा का ऐसे उन लोगों को सारी जानकारी होती है लेकिन वो लोग भी किस पे कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको थोड़ी अपकमिंग 10 मिनट्स में बताने वाला हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। तो कैंडिडेट्स का फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, कई बार बोल देंगे कि राइट डाउन 5 सब्जेक्ट्स, राइट डाउन 3 सब्जेक्ट्स। अगर वो संख्या बोल रहे हैं तब तो जितना बोल रहे उतना लिखो, अगर वो नहीं बोल रहे उम्मीद करिए जो मोस्टली होता है वो 5 सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि 5 अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स आप लिखो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, हमारे बहुत सारे छात्रों ने ये एक्सपीरियंस किया है, जैसे जो भी हमसे जुड़े हुए छात्र आते हैं वो उनका मटेरियल साइंस, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो जैसे लेट्स सपोज मान लीजिए एक ही पैनल में लोग जा रहे हैं और सब बोल रहे सर थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड, मटेरियल साइंस, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड, मटेरियल साइंस, तो वो लोग इरिटेट हो जाते हैं, देन ही विल नॉट आस्क फ्रॉम दैट सब्जेक्ट। वो आपको जो है कहेंगे कि ओके इसके अलावा बताइए और क्या फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपका तो फेवरेट सारा निकल गया। अब आप वो सब्जेक्ट बताओगे जो आपका मीडियम तैयारी है या जिसमें बहुत आप कमजोर हो, आप फंस जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस यहाँ से दिखाना है, तो आप 5 सब्जेक्ट नहीं तैयार करें, आप 5 की जगह प्लस माइनस में लिख रहा हूं 2 सब्जेक्ट और तैयार करें, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बफर, ने रिजर्व में इसको रखिए, बफर स्टॉक जैसे होता है ना प्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, इसको हमेशा रखिए। तो मोर लेस 7-8, ठीक है, इतना सब्जेक्ट रखिए जिसमें 2 बैकअप रखिए और 5 आप एक सीक्वेंस बना के जाइए कि 5 सब्जेक्ट में वहां क्या लिखूंगा। याद रखना है पहला सब्जेक्ट आपका वो होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका कहीं ना कहीं बेस्ट हो, ठीक है। तो ये 5 एक तरह समझ लीजिए ये वो आपका प्लान ए, ठीक है ना, आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा प्लान ए के साथ उसका प्लान बी सी डी सारा रेडी रहता था और ये हो गए 2 प्लान बी, तो कहीं ना कहीं प्लान बी तो आपको लेके चलना होगा। तो हमेशा एक अच्छा सब्जेक्ट आप छोड़ के रखिए, अब किसको छोड़िएगा वो हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। जनरली उस सब्जेक्ट को हम लोग छोड़ के रखते हैं जो इंटरलिंक सब्जेक्ट है, जैसे आपने कहा थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स इससे जुड़ा हुआ है हीट ट्रांसफर, इससे जुड़ा हुआ है पावर प्लांट, इससे जुड़ा हुआ है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, ठीक है। अब आपके आंसरिंग स्किल पे डिपेंड करता है, सिर्फ आप थर्मोडायनामिक्स बोले और उनको आपने आईसी इंजन में घुमा दिया, इन्वॉल्व कर दिया, आपने हीट इंजन से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म बोल दिए जिससे आप वो आईसी इंजन के क्वेश्चन पूछने लगते हैं, ठीक है। तो ये आप पे निर्भर, और आपने आईसी इंजन को बफर में रखा तो वो सब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं फायदा करता है, ठीक है। तो आप कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट दोगे, सबसे बड़ा जो हमारे स्टूडेंट के मन में जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है। तो एक चीज जानिए कि उनकी साइकोलॉजी को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, वो कैसा इंजीनियर चाहते हैं जिसको मैकेनिकल का नॉलेज, ठीक है। तो मैकेनिकल में आप देखोगे आपके पास 3 सेक्शन होते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्शन जो होता है वो बेसिकली हमारा थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड को हम लोग इसमें रखते हैं, तो एक तरह से समझ लीजिए बेसिक थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। दूसरा आपका हीट मास ट्रांसफर जिसको इंजीनियरिंग में हम लोग HMT बोलते हैं, इसे हीट ट्रांसफर बोलते हैं। तीसरा आपका जो सब्जेक्ट होता है दैट इज आईसी इंजन, जो कि डिप्लोमा में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या अन्य सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका आता है पावर प्लांट, ठीक है, और 5वां आपका आता है RAC, ठीक है। इस पावर प्लांट में फिर 2 हो जाते हैं गैस टरबाइन पावर प्लांट और ये आपका कहीं ना कहीं हो जाता है स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, किसी में पावर प्लांट नहीं होगा, किसी में होगा, किसी में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होगा, चलिए। और एक आपका आ जाता है फ्लूइड FM एंड हाइड्रोलिक मशीनरीज, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरीज ले लेते हैं FMM, तो मैंने दोनों को क्लब कर दिया,
बहुत जगह अलग अलग भी रहता है, आप अलग अलग भी दे सकते हो। ये एक तरह से सेक्शन ए हो गया, ठीक है। सेक्शन बी जो होता है फुली कंसेप्चुअल सेगमेंट रहता है जनरली, इसमें आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ईएम, ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मॉस आप बोल सकते हो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एक ही सब्जेक्ट रहेंगे, उसके बाद थियोरी ऑफ मशीन और थोड़ा सा मशीन डिजाइन। क्योंकि सोम और टॉम दोनों जो है एक तरह से इंटरलिंक्ड है, ठीक है, तो क्वेश्चंस बन जाता है। और तीसरा सेक्शन जो हो जाता है इसमें आपको मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमएसटी इंजीनियरिंग मटेरियल के नाम से जाना जाता है, उसके बाद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वन, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टू, ठीक है, मैंने इसको बांट दिया है, कास्टिंग वेल्डिंग मेटल फॉर्मिंग, ठीक है, उसके बाद आप इसमें ले सकते हो मशीनिंग कटिंग टूल जो भी है हमारा, फिर उसमें मशीन टूल वेरियस मशीन टूल्स है, सुपर फिनिशिंग है, थोड़े एडवांस मशीनिंग हो जाते हैं ना, थोड़ा बहुत ईडीएम ईसीएम ये सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावे थोड़ा सा मेट्रोलॉजी भी हमारा इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, जैसे मैं है छोटी सब्जेक्ट लेकिन मेट्रोलॉजी से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, खास करके वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर कैसे मेजर करोगे, कैसे रीडिंग लोगे, कैसे लिस्ट काउंट निकालोगे, ठीक है, लिमिट क्या है, फिट क्या है, टॉलरेंस क्या है, इंटरफेरेंस फिट कैसा होता है, इसका डायग्राम, बेसिक होल सिस्टम क्या है, बेसिक साफ सिस्टम क्या है, ये क्वेश्चंस पूछे जाए एकदम, आप ज्यादा चांस रखो वो पूछे जाए, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तो ये सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी, तो आप ऐसा सिलेक्शन करो, ठीक है, आप पांच सब्जेक्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करिए जिसमें आप कहीं ना कहीं तीनों सेक्शन को थोड़ा थोड़ा टच कर लीजिए, क्योंकि अगर इसमें से एक सेक्शन भी छूटता है तो आपके इंटरव्यू के लिए निगेटिव इंप्रेशन बनेगा। वो ये बोलते हैं सोचते हैं कि लड़का को तो, आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो लेट सपोज आपने सेक्शन भी लिखा ही नहीं, कहा सर ये आपने नहीं बताया, आप इसमें से सब्जेक्ट उठा लिए, ठीक है, और इसमें से सब्जेक्ट आपने उठा लिए, मान लीजिए मटेरियल साइंस है थर्मोडायनामिक्स एस एम पी आई सी इंजन पावर प्लांट आर ए सी टू आपने बता, ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स इज गुड फ्लूड इज गुड ये वो लोग पसंद करते हैं, ठीक है, मटेरियल साइंस उन लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आपने इस सेगमेंट को पूरा छोड़ दिया तो मेरा मानना है कि 60-70% तो चांस वही खत्म हो गया टॉपर सिलेक्शन लेने का, क्योंकि उन्हें ओवरऑल एक अच्छा इंजीनियर चाहिए, और अगर इंजीनियर को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मॉस नहीं आता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उन्हें कैसा इंजीनियर मिलेगा। तो इसीलिए आप इसमें से तीनों सेक्शन को तैयार करें, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट तो एटलीस्ट जरूर लीजिए। जनरली बच्चे मटेरियल साइंस प्रेफर करते हैं, जनरली इसमें सोम मॉस पसंद करते हैं जिनका थोड़ा सा अच्छा होता है, थियरी ऑफ मशीन भी बताते हैं, ठीक है, या वो पूछ देते हैं जैसे गियर का प्रोफाइल ड्रॉ करिए, कोई मैकेनिज्म है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन आपको पूछेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, अगर आप बता पाते हो, वो मैकेनिक्स का भी हो गया, टॉम का भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फ्लाईव्हील क्या है, उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ठीक है, कैन यू ड्रॉ द डायग्राम क्रैंक एफर्ट डायग्राम फॉर फोर स्ट्रोक इंजन, उसका ड्रॉ करिए, तो ये सब कुछ क्वेश्चन जो आपको आए, और इसमें से भी क्वेश्चन आए, इसमें क्या है कि आपके लिए बफर में जो मैं बता रहा था, लेट सपोज अगर मान लीजिए मटेरियल साइंस आपका अच्छा तो प्रोडक्शन भी आपकी अच्छी, ठीक है, तो पांच सब्जेक्ट इसमें से सात सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाइए जो यू शुड कवर ऑल थ्री सेगमेंट। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिए, तीनों सेक्शन को कवर करने की कोशिश करिए, ये आपके लिए अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है ना, तो ये एक थोड़ा सा हो गया। कनेक्टिंग सब्जेक्ट यही होंगे, जैसे आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स लेट सपोज आता है तो आप हीट ट्रांसफर को होल्ड कर सकते हो, छोड़ दोगे, या आपको आपने बेसिक थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर बोला तो आईसी इंजन को आप छोड़ दीजिए, ये कनेक्टिंग है, वो अपने आप उसमें घुस जाए, ठीक है, आपने लेट सपोज अगर आरएसी बताया तो वो अपने आप जो है फिर बेसिक थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन होगा, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स बताया तो मशीनरी अपने आप उसमें आ जाएगा, जैसे मशीनरी में घुसेंगे तो वो आपको पंप टर्बाइन पूछेंगे तो पंप का ही तो छोटा भाई है कंप्रेसर, गैस टर्बाइन में भी घुस सकते हैं, ठीक है, पावर प्लांट के बारे में, बॉयलर के बारे में, टर्बाइन के बारे में भी पूछ सकते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हमारा ये सेगमेंट का हो गया। इधर है सोम टॉम मशीन डिजाइन, ये सब रिलेटेड सब्जेक्ट है, थोड़ा थोड़ा मैकेनिक्स, इन सब लोग जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो मैकेनिक्स को ज्यादा टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं कि मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा पूछेंगे, बेसिक पूछेंगे, लैंडिस थ्योरम क्या होता है, कैन यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम, दो ब्लॉक दे दिए गए सीधा बताओ क्या होगा,
सर्कुलर मोशन है, बेसिक फ्रिक्शन है, काइनेमेटिक्स है, डायग्राम ड्रॉ करो, एरिया अंडर कर्व क्या बताता है, बेसिक क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत जो मैथमेटिक्स रिलेटेड हो, या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, प्रोजेक्ट मोशन किसे कहते हैं, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपके बकेट लिस्ट में है, तो ध्यान रखना है कैसे तैयार करना है। अच्छा, लेट्स सपोज आपने 7 सब्जेक्ट्स ले लिए, क्या बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देना है, आपके मन में ये प्रश्न आएगा, तो मैं यही कहूंगा कि पढ़िए आप सारे सब्जेक्ट, लेकिन 7 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करके जाइए, बाकी सब्जेक्ट को आपको एवरेज नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपने प्रोडक्शन नहीं दिया तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज ड्रिलिंग, बताओ ड्रिलिंग क्या होता है, तो अब ये मत वहां कहिए सर ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है, इसमें मुझे नहीं आता, नहीं, आपको बेसिक जो है लेथ मशीन क्या है, मिलिंग क्या है, ग्राइंडिंग क्या है, कैसे उसमें रैक एंगल किसको बोलते हैं, कटिंग टूल क्या है, ऑर्थोगोनल कटिंग किसको बोलते हैं, रोलिंग क्या है, बेसिक जो स्टैंडर्ड चीज है, ठीक है, जो ऊपर ऊपर आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको गियर का क्वेश्चन लेट सपोज पूछ रहे हैं कि गियर का प्रोफाइल ड्रॉ करिए, तो आपने बहुत सुंदर बोर्ड पे बना दिया सब, एडेंडम डिटेंडम पिच सर्कल सब समझा दिया, बस एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया कि बताओ गियर किस मटेरियल का बना होता है, या गियर को किस किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द्वारा हम बना सकते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आपने कहीं भी प्रोडक्शन को कॉस्ट इसमें ऐड नहीं किया था, लेकिन वो क्वेश्चन लिंक्ड, ठीक है, तो ये हाइब्रिड क्वेश्चंस हैं, ब्लेंड क्वेश्चंस को बोलते हैं, ब्लेंडिंग कर देते हैं दो सब्जेक्ट को, ऐसे क्वेश्चंस वो लोग ज्यादा पूछना पसंद है, ये उन लोगों का थोड़ा सा जो है ये ध्यान रखना, ठीक है। अब उनका फेवरेट एरिया क्या है, तो फेवरेट एरिया मैं आपको बता दूं कि उन लोगों का जो है जनरली वो आप दीजिए या ना दीजिए, वो FM से क्वेश्चन पूछना पसंद करें, फ्लूइड मशीनरी, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन्स, और खास करके मैं पूरा आपको बता दे रहा हूं अपने अनुभव से कि वो पंप से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, पंप उन लोगों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन एकदम। FM में आप चले जाओगे बर्नौली से क्वेश्चन पूछेंगे, पूछेंगे क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी, पहला चैप्टर जो है विस्कोसिटी क्या है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं, ये उनको पूछना ही पूछना है, तो ये उनका FM से रिलेटेड हो गया। दूसरा सेक्शन जो है उनको हीट ट्रांसफर और जो आपको थर्मोडायनामिक्स है, बेसिक पार्ट अप्लाइड बेसिक्स, जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, एंट्रोपी, थोड़ा सा कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, ये क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, थोड़ा बहुत कभी कभी अवेलेबल एनर्जी भी टच कर देते हैं वो लोग, लेकिन वो हायर लेवल है, ठीक है, लेकिन बेसिक आपको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, प्रोसेस, साइकिल, हीट, वर्क, आइडियल गैसेस, रियल गैसेस, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उन लोगों का काफी फेवरेट सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें SFD, BMD, ठीक है, टॉर्शन, ठीक है, बेंडिंग, मोर सर्कल, ये सब इन लोगों का फेवरेट एरिया होता है, ठीक है, ये सब आपको जरूर ये पसंद करते हैं ये लोग, अगर आप इसमें हो ना तो आपको दीजिएगा, ये सब एरिया से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थ्योरी ऑफ मशीन में जैसे दीजिएगा तो गियर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, बियरिंग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, बेल्ट ड्राइव के बारे में पूछ सकते हैं, जो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है। मटेरियल साइंस मैंने ऐड करना इसमें बता दिया, 1, 2, 3, 4, 5 मटेरियल साइंस जो उनका है वो लोग काफी पसंद करते हैं पूछना, उनको अच्छा लगता है, जिसमें कि आपको जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है इस तरह के इंटरव्यू का, ठीक है। उसके बाद आयरन कार्बन डायग्राम हो गया, हीट ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, स्टील वर्सेस कास्ट आयरन है, ये सब टॉपिक को इन लोग का फेवरेट होता है, ये क्योंकि ये सब चीजें प्रैक्टिकल में ज्यादा रही होती है, ठीक है, आइस इंजन भी इन लोगों को पसंद, ठीक है, तो ये आपको ज्यादा वो प्रेफर करते हैं बच्चे, अधिकतर जो सिलेक्ट कैंडिडेट होते हैं वो इन सब सब्जेक्ट में हमेशा बेहतर होते हैं। अच्छा, जब इन सब्जेक्ट में आप जाओगे तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इस बात के लिए भी आप तैयार रहिए कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल फॉर्म में भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ध्यान रखिएगा कि वो बहुत ज्यादा जो है टफ नहीं पूछेंगे, सिंपल पूछेंगे। लेट सपोज जैसे मान लो एक हीट इंजन डायग्राम आपने बनाया, मान लीजिए 100 जूल एनर्जी आ रही है, 20% वर्क में कन्वर्ट हो गया,
और जो और 80% रिजेक्ट हो गया, 20% जो हुआ वो किसी पंप के लिए या रेफ्रिजरेटर के लिए इनपुट हो गया, तो बताओ उसका सीओपी क्या निकालेंगे। तो इस तरह से रिलेट करके वो सिंपल सिंपल देंगे, लेट्स सपोज बॉयलर का एफिशिएंसी निकाल दे, अगर मान लीजिए इतना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना, टर्बाइन का एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये छोटे छोटे एंट्रोपी क्या है, ये सब क्वेश्चंस वो लोग काफी पसंद करते हैं। क्लॉसियस, अच्छा जितने भी थियरम है, क्लॉसियस, एंट्रोपी प्रिंसिपल, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, तो सबके स्टेटमेंट्स आप जरूर याद करते हैं, वो वहां पे आपको पूरा बोलना पड़ेगा, ठीक है, जो लॉज है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप मान लो बोलने में नहीं सक्षम हो तो किसी तरह बोर्ड पे लिख के उनको समझा देना, वो सिर्फ यही देखते हैं कि बच्चा के पास नॉलेज है या नहीं और क्या वो समझा पाता है। आप ध्यान रखिए, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, अगर आप समझा नहीं पा रहे हो एक पैनल को तो यू आर रिजेक्टेड। और आपके पास कम ही नॉलेज है बट आपका डिलीवरी बहुत अच्छा है, जितनी चीज आप बता रहे हैं बहुत अच्छे से बता रहे हो, तो मे बी आप सिलेक्ट। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप FM बोलो ना बोलो, वो घुमा फिरा के पंप से क्वेश्चन पूछ ही देने, कैविटेशंस, कंप्रेशर्स, किसी ना किसी तरह से वो लिंक कर ही देता है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन वो पूछ ही देता है, ये उन लोगों का फेवरेट जोन जाता है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, वो घुमा के ले ही आएंगे आपको। थर्मल में हीट इंजन पूछ ही देंगे, रेफ्रिजरेटर क्या है पूछ ही देंगे, कई बार पूछते हैं जी शिमला में ज्यादा बिजली का बिल आएगा कि मान लीजिए दिल्ली में आएगा, समर में आएगा कि विंटर में आएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन वो क्या करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको बोलेगा कि आपके घर में फ्रिज है, ओके चलो उसको लद्दाख पे रखा है, बताओ क्या परफॉर्मेंस करता। अब बच्चे सोचते हैं सर ऐसा तो कभी हमने कभी बुक में पढ़ा नहीं, बट वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वही समर विंटर वाला कॉन्सेप्ट है, वही आप शिमला और पटना वाला वही कॉन्सेप्ट यहाँ और आपका लद्दाख पे लेके चला गया। तो सराउंडिंग देखिए क्या चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली सीओपी चेंज होगा। सीओपी जितना ज्यादा अच्छा होगा इसका मतलब आपको बिजली कंजम्पशन उतना कम होगा, आपका बिजली बिल कम आएगा, यही तो वो पूछना चाहते हैं, ठीक है। उसी चीज को आप रिलेट कर दीजिए सीओपी से, मैथमेटिकली आप उन लोगों को बता दीजिए कि सर सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर T2/T1-T2 ना, T1 यहाँ पे चेंज हो रहा है, वो एक तरह से सराउंडिंग होता है रेफ्रिजरेटर में T1, ठीक है, वो चेंज हो रहा है, सर सीओपी चेंज हो जाएगा, बस हो गया, यही वो लोग जानना चाहते हैं। तो इस तरह का अप्रोच अगर आप रखते हैं तो मैं मानता हूं कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको कुछ बता दिया, अब मैं आपको कुछ सजेशंस दे रहा हूं, जो मैंने बहुत सारी बातें बताई है उसको मैंने पॉइंट वाइज कर लिया है, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि इंटरव्यू में कभी भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछते, दे विल आस्क वेरी सिंपल एंड फंडामेंटल क्वेश्चन, और उसी में आपकी गहराई को वो चेक करते हैं कि लड़के का कंसेप्ट कितना क्लियर है। तो कभी भी बहुत डेप्थ जाने की कोशिश बाद में करिएगा, पहले अपना फंडामेंटल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे पास कुछ सजेशंस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैं कुछ और भी सजेशन दूंगा। तो पहला, अपने जो भी आपके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है कि मैकेनिकल में मेन मेन सब्जेक्ट कौन है, सबके बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप सिंपल ड्रॉ कर पाएंगे और उसमें से 50 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पता चला 15 मिनट का आपका इंटरव्यू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ही निकल गया, तो अच्छा है, आपको बाकी कम टाइम मिलेगा तो बाकी सब्जेक्ट पे लोड कम होगा, अगर ऐसा आपके सब्जेक्ट वेरी गुड, इसीलिए आप बेसिक्स एकदम क्लियर करते हैं, ठीक है। दूसरा, आप 5 से 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर रखिए, 5 आप देने के लिए और 3 बैकअप में, दैट इज योर प्लान बी, ठीक है। नेक्स्ट सजेशन आपके लिए है, डोंट ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स इन एनी सब्जेक्ट, अभी आप एक्सपेरिमेंट करने का टाइम, ऐसे इंटरव्यू की तैयारी लोग 1 साल से करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी 1 दिन में नहीं होती है, ये थोड़ा सा पहले से प्रोसेस चलता है। तो आप 1 साल जो मेहनत करते हो, थ्योरिटिकल नॉलेज को गेन करते हो ना, तो वहीं से हम लोग इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे को मोटिवेट करते हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं जो है ना, आप वो डे बाय डे प्रोसेस है। मे बी आपके नोट्स में हो सकता है इंटरव्यू बेस्ड पॉइंट्स लिखे हो, उसको आप एक बार देख लो, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपने वो नहीं किया है तो 15 दिन में आप कर सकते हो तैयार, लेकिन याद रखना है, अब लेट्स सपोज आपने SFD BMB जिंदगी में अभी तक नहीं सीखा, ठीक है, तो अब ये 10 दिन में आप नहीं सीख पाओगे, वहां पे फंस जाओ, चौक कर जाओ, तो थोड़ा सा जो है बचना है इन चीजों से, ठीक है। आप बिल्कुल भी नहीं आता तो सीख लीजिए, लेकिन नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा नहीं रिसर्च करके जाना है, आपको ओवरऑल वहां परफॉर्म करना होगा, ठीक है। इसमें अगर आप एक भी सेक्शन मिस कर देते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो सेक्शन बी नहीं दिया तो सेक्शन ए और सेक्शन सी पे भार बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सेक्शन ए में फिर आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, उन लोगों का दिल जीतना होगा,
जो कि प्रायः मुश्किल होता है डिप्लोमा लेवल पर, क्योंकि वो लोग साइंटिस्ट रहते हैं, उन लोगों को तो डिप्लोमा का सिलेबस का अंदाज नहीं होता, कई बार वो बताते बताते बीटेक के लेवल में घुस जाते हैं और बच्चे जवाब जब तक देते हैं तब तक तो ठीक है, जब जवाब नहीं देते तो उन्हें हाथ उठाना पड़ता है, सर अवेलेबल एनर्जी डिप्लोमा में नहीं है ना, सर पावर प्लांट में थोड़ा बहुत ही हम लोग को पढ़ना था, वेलोसिटी डायग्राम हमारे टर्बाइन का नहीं है, बताना पड़ता है। और ये आप बताइए, बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए कि सर ये मेरे सिलेबस में नहीं था, सर ये हम लोग नहीं जानते हैं, वो लोग मौका देते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, चेंज करते हैं। इसीलिए अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं आता है, तो बी फ्रैंक, आप पोलाइटली बताइए सर ये हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में डिप्लोमा में इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है, तो वहां से फिर बैक होगा, क्योंकि वो लोग सब जनरली बीटेक एमटेक पीएचडी के रहते हैं, तो थोड़ा सा नीचे उतरना उन लोगों को, और आप जवाब देते चले जाओगे तो लेवल उठाते चले, ठीक है। डेफिनेटली आपने डिप्लोमा किया है तो आप बीटेक लेवल के कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं, सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते, तो आप वहां पे उनको रोकिए विनम्रता पूर्वक, आप एक सर ये हम लोगों को सिलेबस में नहीं था, सर ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है, इतना सब नहीं था पढ़ना, थोड़ा बहुत मैंने सर पढ़ा। जैसे रिसेंटली अभी एनपीसीएल का इंटरव्यू हुआ, तो एक लड़के ने से ये क्वेश्चन पूछा गया, हाँ हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ ग्रेस ऑफ ये प्रांटल नंबर क्या होता, ठीक है, बाउंड्री लेयर थियरी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़नी है जो कि बीटेक में है, तो बताओ कि बताओ बाउंड्री प्रांटल नंबर क्या है। उसने बता दिया कि प्रांटल नंबर जो है वो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर, थर्मोडायनामिक बाउंड्री लेयर के, थर्मल बाउंड्री लेयर के बीच एक रिलेशन है, ठीक है, तो बताए बाउंड्री लेयर थ्योरी क्या है, ड्रॉ करिए उसको। अब ये बीटेक का चीज है, तो फिर उस लड़के ने विनम्रता पूर्वक बताया कि सर बाउंड्री लेयर थ्योरी सर डिप्लोमा में नहीं है, आप कुछ सर नहीं पढ़े। बोले तुमने तो तुरंत खुद बताया प्रांटल नंबर में। उसने कहा कि मैम जब हीट ट्रांसफर थोड़ा पढ़ रहे थे तो वहां पर ये टर्म आया था, तो हमने बस एक बार देख लिया, जान लिया, ज्यादा गहराई हमारे पास नहीं है, बस हम लोग जानते हो गया। ऐसा नहीं कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मेरिट लिस्ट में लड़का, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ज्यादा लेवल का पूछते हो, विनम्रता पूर्वक आप अपनी बातों को रखेंगे तो वहां पे आपका सिलेक्शन फिर भी होगा। मेरे पास ऐसे 10 कैंडिडेट थे जिन्होंने, और मैंने सबको ऐसे ट्रेन किया है, वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, हुआ ना। उसके बाद तो नया चीज बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना, ये अभी बिल्कुल आपके लिए रिकमेंडेड नहीं, ठीक है। हमेशा फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, आप किस सब्जेक्ट में मजबूत हो उस पे ज्यादा फोकस करो, और हमेशा अपने बैक को करो। आपका थर्मल अच्छा है तो थर्मल आप 5 में 2 तो जरूर रखो, ठीक है, 3 नहीं रख पाओगे क्योंकि उधर, या 3 रखोगे तो उधर 1-1 लेना होगा तो भी ठीक है चलेगा, FM को ऐड कर लीजिए, तो अपने स्ट्रेंथ को बैक करें। अब लेट सपोज मेरा थ्योरी ऑफ मशीन अच्छा नहीं है तो मैं सोचूंगा कि 10 दिन उसको खूब अच्छा कर लूं, ये संभव नहीं। हाँ, उतना जरूर पढ़िए कि मॉडरेट एवरेज आप बता सको, गियर का प्रोफाइल ड्रॉ कर सको, गियर क्या है बता सको, फ्लाईव्हील क्या है आप बता सको, ठीक है, कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मैकेनिज्म कैसे, सिंपल लिंक किसको बोलते हैं, कंस्टेंट मोशन क्या है, आप इसको बता सको। लेकिन आप गहराई में जाकर कहोगे सर वाइब्रेशन का क्वेश्चन हम बता देंगे तो मुश्किल है, बैलेंसिंग बता देंगे तो मुश्किल है, गवर्नर का पूरा मैकेनिज्म समझा देंगे तो मुश्किल है। तो ये थोड़ा आपको खुद रियलाइज करना होगा, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, जो आपका ताकत है, ठीक है, उसको बैक करिए, ठीक है। आपका अगर मटेरियल साइंस अच्छा है तो उसको बैक करिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे महेंद्र सिंह धोनी हमेशा ये बात कहता था, मैं बहुत उसको फॉलो करता हूँ ना, ऑलवेज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, हमेशा अपने पॉजिटिव को और अच्छा रखो। हाँ, कंप्लीट निगेटिव नहीं होना है, अगर कोई वीक है तो उसको एवरेजली पढ़ लेना है, ऊपर ऊपर भी आपको बेसिक पता हो, ठीक है। प्रैक्टिस मोर ग्राफ स्केच फॉर्मूला ऑन पेपर, मतलब जो बोर्ड आप खरीदोगे उस पे उसको प्रैक्टिस करो, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो जो WH क्वेश्चन होता है, वाई हाउ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, ना जैसे हम लोग ड्रॉ करते हो तो साइकिल लाइन सीधी होती है, अगर तिरछी हो गई तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगा। आप कहोगे सर अगर ये लाइन, आपसे पूछेंगे अगर ये लाइन स्ट्रेट है, एसिंट्रोपिक मान लो कंप्रेशन हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है TS प्लेन पे। अगर कहेगा कि अगर थोड़ा सा दाएं चला गया तो क्या होगा, बाएं चले गया तो क्या होगा, ठीक है, एंट्रोपी चेंज करेगा, एंट्रोपी बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल जो रिवर्सिबल आपने कंडीशन लिया है वो टूट रहा है वहां पे, दैट देयर मे बी केस ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, देयर मे बी केस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल इरिवर्सिबल। तो वो थोड़ा थोड़ा आपको हल्का सोचना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट आपको चीजों को पढ़ के सोचना होगा, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ डाउट्स होंगे, डेफिनेटली डाउट्स होंगे, हो सकता है आप नहीं समझ पाओ,
तो हमेशा लाइक माइंडेड पीपल के साथ एसोसिएट करिए, अगर ये 10 दिन है, चाहे फोन पे करते हो, सामने करते हो, एंड डू सम हेल्दी डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपने भर दिन में पढ़ा है, उनके साथ एटलीस्ट 1 आवर डिस्कशन करिए। अगर मान लीजिए आपका दोस्त व्हाइट बोर्ड और रूम में अवेलेबल है तो सबसे बेस्ट है ना, दोस्त को बुला लो रूम पे, आ जाओ भाई, बोर्ड है अपना, थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कुछ, वो भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, आपने भी उसको समझा दिया, तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि बोर्ड पे कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, इंटरव्यूअर को कैसे बताना है। तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं जाने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए, आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो क्रॉस क्वेश्चन आंसर सेशंस ना, बोर्ड वर्क कुछ कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट ब्लफ इन इंटरव्यू पैनल, झूठ नहीं बोलना है, हवाबाजी वहां बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको सेकेंड लॉ नहीं आता है, डिंग दिए जा रहे हो, सर हीट ऐसे होता है, वर्क कैसे होता है, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, लो ग्रेड को हाई ग्रेड में ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ठीक है, हीट इंजन सर एक से ज्यादा हो जाएगा, झूठ नहीं बोलना, नहीं आता है, एक्सेप्ट दैट, सर नहीं आता मुझे, ये कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, कोई नई बात नहीं है, उन्हें भी बहुत सारी चीजें नहीं आती, ठीक है। तो इसमें नो एक्सेप्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट नो, ईमानदारी से बता दो। अगर आपको कंफ्यूजन है, गेस करना है, या थोड़ा जान दो कि 50% कंफर्म है नहीं, तो पूछ लो, सर सर आई एम नॉट श्योर बट इफ यू अलाउ मी देन आई कैन गेस सर, आई कैन टेल बट आई एम नॉट श्योर, ऐसे बोल दीजिए, तो वो आपको कहेंगे ओके ओके, फिर भी वो पूछ ही लेता आपसे। आप अगर बोलोगे सर मैं कन्फर्म नहीं, थोड़ा डाउट है, फिर भी कहेंगे क्या है बताओ, वो पूछ लेंगे आपसे, तो इसीलिए घबराना नहीं, बट परमिशन थोड़ा सा ले लेते हैं आप, तो आपका जो है अगर गलत भी होगा तो फिर उसका इफेक्ट आपके इमेज पे नहीं पड़ेगा, और कई बार सही भी हो जाता है, वो लोग हिंट भी करते हैं, स्मार्ट, वो लोग काफी स्मार्ट होंगे, वो चाहेंगे कि आपसे आंसर निकले, अगर आप आसपास आंसर कर रहे हो तो वो आपको कुछ ना कुछ क्लू देंगे, कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, तो बहुत इंटरेक्टिव इंटरव्यू होता है ना, ये सबसे बड़ी खासियत है, बड़ा इंटरव्यू इंटरेक्टिव सेशंस में आता है, तो वहां पे आप ब्लफ नहीं करना, बी ऑनेस्ट, गेस कर रहे हो बता दो, पूछ के करो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये हमारे सबसे अच्छे होते हैं, उसके बाद है कि लास्ट में बुक रीडिंग पे मत जाइए। बहुत बच्चे सोचते हैं कि बुक पढ़ लेंगे इंटरव्यू निकल जाएगा, नो, इंटरव्यू टाइम में आपको क्रिस्प नॉलेज है, तो जो आपके नोट्स है बने हुए उसको पढ़िए, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है उसी को ढंग से पढ़ लीजिए, बुक तभी रेफर करिए जब कोई चीज में आपको कंफ्यूजन हो या कोई चीज का कंसेप्ट का क्रॉस चेकिंग कर। बुक पढ़ लेने से थर्मोडायनामिक्स 10 दिन में नहीं सीख लीजिएगा, उसके लिए पहले से मेहनत कर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अवॉइड बुक रीडिंग्स, बुक रीडिंग से थोड़ा सा आपको बचना है ना, ऑलवेज प्रेफर बुक्स व्हेन यू नीड टू सम क्रॉस चेक सम इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव योरसेल्फ, आप अपने पे विश्वास रखो, भगवती पे विश्वास रखो, माँ दुर्गा पे विश्वास रखो ना, अपने गुरुजन के आशीर्वाद पे विश्वास रखो, अपने माता पिता के ब्लेसिंग्स पे रखो, और अपने हार्डवर्क पे यकीन रखो कि यस आई कैन डू इट, मैं ये जॉब ले सकता हूँ, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, आई नीड ओनली वन सीट, और 16 सीट है मेरे लिए बहुत ज्यादा है, ये फेथ आपके अंदर होना चाहिए इंटरव्यू चैम्बर में घुसने से पहले। आप रोज दिन अपने आप को 10 बार कहिए यस आई कैन डू इट ना, मुझ में मैंने मेहनत किया है, मैं प्रयास करूंगा, मैं कर सकता हूँ, मुझे बेस्ट नॉलेज मिला है, मैं हमेशा अपने टीचरों के संपर्क में रहा हूँ ना, उनका ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर है, आप हालांकि दुर्भाग्य है आजकल छात्रों में बहुत डिग्रेडेशन हो गया है ना, बहुत चालाक हो गए हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, टीचर के सामने बहुत हितैषी बनते हैं, पीठ पीछे उन्हीं की बुराई करते हैं, उन्हीं की शिकायत करते हैं, कई बार पब्लिकली भी करते हैं, बट खैर कोई बात नहीं है, आप अपने आप छोटे हो ना, आपको पता नहीं है अभी, लेकिन कभी भी गलती से नहीं करना, ठीक है ना, एक स्टूडेंट के लिए भी नहीं, कल को हो सकता है आप भी रहोगे। और फर्स्ट लॉ में हमेशा बच्चों को कहता हूँ, फर्स्ट लॉ इज ऑलवेज वैलिड ना, अगर आप कोई किसी का शिकायत कर रहा है, निंदा कर रहा है, समझ लीजिए वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, प्रोग्रेसिव वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जिसको कमी निकालने की आदत हो वो कभी भी पॉजिटिव माइंडसेट से कोई चीज नहीं कर पाएगा, वो इंटरव्यू में भी कमी निकाल लेगा ना, बहस कर लेगा, आर्ग्यूमेंट कर लेगा पैनल से, और दे आर वेरी स्मार्ट पर्सन ना, साइंटिस्ट वो लोग रहते हैं, उनको आप बेवकूफ थोड़ी बना, अपना इंटरव्यू खराब कर लीजिएगा, रिजेक्ट हो जाइएगा। बहुत लड़के ऐसा करते हैं, मेरे पास बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, जो कि जिन्होंने अपना इंटरव्यू सिर्फ इस ईगो में खराब कर लिया कि नहीं हम जो जानते वो सही है, सामने वाला गलत बोल रहा है,
अगर मान लो तुम सही हो, सामने वाला गलत भी बोल रहा है, तो एक से दो बार आप रेसिस्ट करिए विनम्रता पूर्वक, अगर वो नहीं मान रहे तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे सर मेरे पास यही जानकारी है, हो सकता है समय गलत हो, ठीक है, तो आप ऐसे भी करते। इसीलिए विश्वास अपने पे रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, मेहनत करिए, आपने मेहनत किया है तो आपके हिस्से में वो ब्लेसिंग्स आएगा, आज आए कल आए, वो फ्रूटफुल होना है, ठीक है। आप फेथ रखिए अपने पे, मेहनत करिएगा, और अगर ये आप ऐसा रखते तो कहीं ना कहीं वो बीजारोपण आपके अंदर हो गया है, कल रिजल्ट आए, दो साल बाद आए, दस साल बाद आए, लाइफ में आप जरूर आप सक्सेसफुल बनिएगा, ये सबसे की फायदा, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल रिकमेंडेशंस मेरे लिए थे इंटरव्यू के लिए। अब मैं कुछ थोड़ा पर्सनल लेवल पे देना चाहता हूँ, हमारे बच्चे बहुत करते हैं कुछ कुछ चीज जो कि इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को इफेक्टिव करेंगे, थोड़ा सा उसमें बचना। पहला बात, डोंट बी स्मार्ट ड्यूरिंग इंटरव्यू। मेरा ये स्मार्टनेस कहने का लुक के वाइज नहीं है, लुक वाइज बिल्कुल स्मार्ट बन के जाना, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, बाल वाल कटा के जाना, एकदम जो डिसेंट लुक होता है जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिहेवियर वाइज स्मार्ट नहीं बनना, ठीक है। बिहेवियर वाइज मतलब उधर अपने ज्ञान का शक्ति प्रदर्शन ज्यादा नहीं करना, ठीक है, उतना ही करना है जितना पूछा जाए, क्योंकि दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो उनसे आप जो है कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिहेवियर वाइज आप स्मार्ट बन लो, नहीं बहुत लड़का होता ना काबिल बनने लग जाता है इंटरव्यू, तो वैसा नहीं होना, बी डिसेंट, सिंपल रहना है, हम्बल रहना है, हम्बल लोग हम्बल वाले को ही पसंद करते हैं क्योंकि वो लोग खुद आपको हम्बल मिलेंगे, तो ऐसा रहोगे तब ना फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा। तो ये चलिए, एक्सेप्ट नो विदाउट एनी हेजिटेशन, अगर आप कोई आंसर नहीं जानते हो तो ब्लफ करने की जगह एक्सेप्ट नो, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, योर आंसर विल गिव इनडायरेक्टली फ्रेम फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, आपका जो आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, आप जो आंसर करेंगे अगला क्वेश्चन उसी से फ्रेम होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो कई बार लड़के स्मार्ट होते हैं, मैं सिखाता भी हूँ, ऐसी स्मार्टनेस आपके आंसर में होनी चाहिए कि आप जिधर इंटरव्यू को ले जाना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में सर को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उस तरह के आंसर दीजिए, वो अपने आप उधर चलता चाहता, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए, जैसे एक मैं बताता हूँ, एक लड़के से पूछा गया इंटरव्यू में सेपर मशीन क्या होता है, तो बता रहा था सर सेपर मशीन ऐसा है, टूल का पोजीशन ऐसा होता है, वर्कपीस ऐसे मूव करता है ना, इसमें सर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। नाउ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से इंटरव्यू शिफ्ट होकर थ्योरी ऑफ मशीन पे आ गया, मतलब व्हाट इज क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बताया, कैन यू ड्रॉ इट, उसने ड्रॉ किया, ठीक है, कैसे इसमें क्विक रिटर्न हो रहा है बताओ, अगर मैं इसमें कितने लिंक है काउंट करके बताओ, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बताओ, ठीक, कितने इसमें हायर पेयर है कितने लोअर पेयर है। अब वो पूरा इंटरव्यू थ्योरी ऑफ मशीन पे शिफ्ट हो गया, जैसे हायर पेयर की चर्चा की, उसने बताया गियर क्या होता है, हायर पेयर या लोअर पेयर, नाउ दे हैव कनेक्टेड द ऑल द क्वेश्चंस। तो वो लड़का का प्रोडक्शन अच्छा नहीं था, उसको बोल, उसने अपना इंटरव्यू मेरे से शेयर किया था, सर मुझे तो लगा कि मेरा इंटरव्यू गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन ऊपर वाले की किस्मत थी, ईश्वर का आशीर्वाद था, वो प्रोडक्शन से शिफ्ट होकर टॉप में चला, और वो सब उसका फेवरेट पॉइंट था, वो उसको आता था अच्छे से, लिंक क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, गियर का प्रोफाइल इतना सुंदर बनाया, लास्ट क्वेश्चन बोला कि टेल मी दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, ड्रॉ द प्रोफाइल डायग्राम ऑफ गियर, गियर का ड्रॉ करके बताइए, उसने बेहतरीन तरीके से डेंडम डिटेंडम पिच सर्कल क्लियरेंस पिच सर्कल टूथ थिकनेस टूथ क्लियरेंस सर्कल क्या है सब चीज को ड्रॉ कर दिया, पैनल बहुत खुश हुआ, और आदमी स्टूडेंट एनपीसीएल में काम कर रहा है, इज वर्किंग इन एनपीसीएल अर्निंग मोर देन 70-80,000 पर मंथ, अब तो वो एब्जॉर्ब भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे हैं, तो आपका आंसर क्या है, उसने बताया क्विक रिटर्न और वो फ्रेम, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा भी नहीं बताना है, उतना ही उनको हिंट दीजिए, आंसर करिए जितने में आप कंफर्ट जोन में है, या जब कभी आप कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो उसका आंसर सोचिए, तो ये सोचिए कि यहाँ से किधर किधर इंटरव्यू क्वेश्चन क्लब कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, और ऐसा सोचने लग जाइएगा तो फिर इंटरव्यू आपके हिसाब से होगा ना, ये एक तरह का माइंड गेम है, समझ लीजिए कि अंदर ही अंदर लड़ाई चलते रहती है, हम चाहते हैं इंटरव्यू मेरे हिसाब से हो, वो चाहते हैं हम जो चाहे वो पूछे, तो आप स्मार्ट तभी माने जाओगे जब आप ऐसा आंसर करो कि वो उस चीज को उस आंसर से ही फिर जो क्वेश्चन पूछे और वो आपका फेवरेबल जोन, तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार एचआर में पूछते हैं कि लेट्स सपोज यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, क्यों आप बिहार से बाहर आना चाहते हो, ठीक है, तो आप कहिए कि सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है,
आई एम सर्विंग द नेशन, आप एक तरह से राष्ट्र सेवा कर रहे हो, बीइंग इंजीनियर यू आर गिविंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशन, तो सर देश सेवा के लिए सर बिहार क्या और झारखंड क्या और नॉर्थ इंडिया क्या साउथ इंडिया क्या, जहां सर हमको देश सेवा करने का मौका मिलेगा, बिकॉज यू आर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और आप न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्र की उन्नति में भागीदार हो, ठीक है। तो ये वहां पे राज्य का मैटर ही नहीं आना चाहिए, सीधा नेशन फर्स्ट ना। एक सोल्जर जैसे सेना पे रह के राष्ट्र सेवा कर रहा है, उसी तरह बीइंग एन इंजीनियर यू आर सर्विंग द नेशन, तो इसमें फिर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया कहां का है? तो इस तरह से जवाब देंगे तो लोग बहुत खुश हो जाते, ठीक है। तो थोड़ा डेस्परेशन दिखना चाहिए, और बिल्कुल बताइए सर जहां काम मिलेगा करने का बिल्कुल काम करेंगे, ठीक है। तो ये डेस्परेशन जो है वो आपका बॉडी लैंग्वेज में रहना चाहिए, यू शुड बी एनर्जेटिक ना, लगना चाहिए कि सर हम बहुत डेडिकेटेड है, हम इस जॉब के लिए काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, हम ये मेरा ड्रीम जॉब, ऐसा लगना चाहिए आपकी आंखों से, आपके विचार से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, और ये तभी होगा जब आप पॉजिटिव माइंड से, ठीक है। लास्ट रिकमेंडेशन, लास्ट तो नहीं है, बहुत सारे हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट, ₹10 कौन लड़का है इसको बाहर करो, लास्ट रिकमेंडेशन, आप जो जिस दिन आप इंटरव्यू होगा उसे एक रात पहले आप 8 आवर का स्लीप बिल्कुल भी मस्त है जरूर लीजिए, ठीक है। आप इंटरव्यू से पहले एक रात जो आप खाना खाते हैं, बहुत सिंपल खाना है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट हमारे लास्ट दिन जो है कहीं नई जगह जाते हैं, वहां की रेसिपी ट्राई करते हैं, पता चला पेट खराब हो गया, ये बुखार आ गया, दिस दैट, कुछ कोल्ड चीज खा लिया, सर्दी हो गया, इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट अभी 15 दिन नहीं करते, सिंपल खाना खाइए, ठीक है, डाइट सिंपल रखिए, मन शांत रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस। जब आप इंटरव्यू अंदर जाते हैं ऑलवेज कैरी वाटर बॉटल, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप जाओगे 100 लड़के का इंटरव्यू आपका सबसे लास्ट में हो, हर दिन आपको भूखे रहना पड़े, ऑलवेज हैव वन वाटर बॉटल, 1 या 2 लीटर का रखो, क्योंकि एनर्जी वाटर अगर जाती रहेगी अंदर तो एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। कई लड़कों के साथ, हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि दे आर वेरी एनर्जेटिक, सारा नॉलेज था, लेकिन जब उसके इंटरव्यू का टाइम आया वो लास्ट पर्सन था, सेकेंड लास्ट था, 4 बजे शाम को आया, तब तक बोला सर इतना थक चुके थे, भूखे थे, सर में दर्द कर रहा था, लग रहा था चक्कर आ जाएगा, और वो उसने अपना इंटरव्यू स्पॉइल कर दिया, बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बेसिक चीज को फोकस नहीं किया, क्या कि बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन रखना, तो पानी पीते रहना है, वहां भी नहीं ले जाते हो वहां मिलेगा, वहां पीते रहना, ठीक है। उसके बाद डार्क चॉकलेट रखिएगा, डार्क चॉकलेट जिसमें कैलोरी, इंस्टेंटेनियस कैलोरी मिलता है, जैसे कि आपका डेयरी मिल्क हो गया, सब जो चॉकलेट चल रहे हैं सेल, ये 50-100 रुपए मिलेगा, एक रख लेना, उसमें देखिएगा 8 या 12 बॉक्स छोटे छोटे बने रहते हैं, क्यूब्स, एक एक खाते रहना है आधे घंटे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत लोग को अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप रसगुल्ला भी खा सकते हो, स्पंज व्हाइट रसगुल्ला, उसमें भी बहुत एनर्जी रहती है, एक छोटा सा डब्बा रखो 5 से 10 पीस वाला, गुलाब जामुन मत खाना, सुला देगा इंटरव्यू, उसमें नींद आती है, व्हाइट वाला खाना जिसमें कि आपको एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, देखिए ये बहुत माइनर चीज है लेकिन इनडायरेक्टली योर ये आपके इंटरव्यू को इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जब कोई इंटरव्यू दे के निकलता है, गलती से भी उसे ये मत पूछना कि भाई तुमसे क्या पूछा गया, वो बेवकूफ लोग होते हैं जो निकलने के बाद पीछे पीछे जाते, भाई तुमसे क्या पूछा, तुमने क्या बताया, तुमने क्या बताया, आपका जान पहचान का हो अलग, बिल्कुल मत पूछो, क्योंकि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, जवाब दे के आया, उसने कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट बोला उसे नहीं पता, आपको पता क्यों? आप कई बार होगा क्या कि आप वो कुछ ऐसा चीज बता देगा जिससे आप पैनिक कर जाओगे, वो चीज हो सकता है आपको नहीं आता, तो कुछ कोई कम्युनिकेशन नहीं रखिए, बस आप कहिए कि इंटरव्यू के बाद बात करेंगे, तो डोंट आस्क एनीथिंग आफ्टर कंप्लीटेड इंटरव्यू, जिनका जैसे छात्रों से मत मिलिए जिनका इंटरव्यू हो चुका है, जब आपका भी हो जाए तब डिस्कशन करें, ठीक है। कभी भी पैनिक नहीं करना है, इंटरव्यू में ऐसा होगा कि हो सकता है पहला 5-10 मिनट आपके फेवर में नहीं जाए, तो घबराना नहीं है, ठीक है, आप अपना 100% एफर्ट दीजिए। बहुत ऐसो के साथ हुआ है कि उनको लगा सर मेरा सबसे बुरा इंटरव्यू गया है, फिर भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में होता है, तो आपको नहीं पता वो सिलेक्शन किस आधार पे करते हैं, वो सिलेक्शन आपके एप्टीट्यूड पे करते हैं, आपके अप्रोच पे करते हैं, हो सकता है आप पूरी जानकारी नहीं हो लेकिन आपका अप्रोच बहुत अच्छा होने लग जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। Again, last but not the least, you want only one post. आपको सिर्फ एक post चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैंने एक ब्रीफली आपको NFC और इस तरह के इंटरव्यू पैटर्न के बारे में बताने का प्रयास किया है।
आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, ठीक है, थैंक यू।